महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत शिवछत्रपती नंदन उपस्थित खासदार साहेब विवेक लायब्ररीचे आणि या कुटुंबातील सर्व सदस्य आणि मित्र, मी प्रथमतः ज्या संयोजकांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला त्या सगळ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतोय आणि या सुंदर अशा कार्यक्रमासाठी आम्हाला निमंत्रित केलं त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून ऋण व्यक्त करतो. खरं बराच वेळ झालेला आहे, बोलायचं बरंच होतं. आम्ही कदाचित खासदार साहेबांना बोलायला सांगून आपल्याला शुभेच्छा दिल्या असत्या, पण माझ्यावरती एक जबाबदारी आली की या संस्थेला एक प्लॉट देण्यात आला होता आणि तो प्लॉट त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने काढून घेतला. अशा प्रकारचं सांगण्यात आल्यानंतर मला असं वाटलं की आपको जो जरूरी चीज है उनके लिए आपके सामने बात करना मेरी जिम्मेदारी बनती है. मुझे गर्व है कि 92 में आपने ही मुझे जिता के कॉर्पोरेटर बनाए. उनके बाद हर साल ये समाज ने मुझे वोट देके आज तक एमएलए पद तक लाया, इसका मैं आपका सबका आभारी हूं. और एक मुझे मौका मिला है ये समाज की एक प्लॉट जो दिया हुआ है वो बीएमसी ने अगर वापिस लिया होगा तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन आपको देने के लिए अभी के जो मुख्यमंत्री साहब है एकनाथ शिंदे साहब, जिनके भरोसे पे हम लोग आज काम कर रहे हैं, उनको इसमें सहयोग लेके वो प्लॉट आपको देने के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा और वो मेरी जिम्मेदारी समझ के मैं आपको ये आज वचन नहीं तो वादा करता हूँ कि इसके लिए मैं मेहनत करूंगा. बाकी कोर्ट वाली जो बात है वो कोर्ट में उसका फैसला हो जाता है, लेकिन कोर्ट में क्या है मैंने आज तक देखा नहीं पढ़ा नहीं, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का सवाल आएगा मैं पूरा आपको सहयोग करूंगा. यहाँ हमारे एकनाथ जी साहब है, मैं उसका भी आभारी हूँ. अभी एकनाथ जी बता रहे थे एमपी साहब को कि मैं इनके खिलाफ खड़ा था, मेरे समाज में मेरे को वोट नहीं दिया लेकिन सदा सरवणकर को दिया, ऐसा नहीं है ना. देखो ऐसा एक तो आपने मुझे दिया होगा या इनको दिया होगा, अगर इनको देते तो ये जीत के आते थे और नहीं आए इसका मतलब आपने मुझे दिया और ये आपका मैं उपकार और आपने जो सहयोग दिया वो मैं कभी भूलूंगा नहीं. और दूसरे यहाँ अभी एक हमारे जो कलाकार आए थे तभी पहचान करके दिया गया कि ये मराठी है. मला असं वाटतं की आपण सगळे मराठी आहोत. हमारे जो बालासाहेब थे वो बोलते थे कि यहाँ जो पैदा हुए है ये संस्कृति से जो जुड़े हुए लोग हैं ये हमारे मराठी है. मराठी का और कोई व्याख्या नहीं है. महाराष्ट्र में जो पैदा हुआ महाराष्ट्र के साथ जो जुड़ा हुआ है वो हर आदमी मराठी है, इसलिए हम सब मराठी है. आणि आपण सगळे मुंबईकर पुन्हा एकदा मी आपल्या मनापासून आभार व्यक्त करतोय आणि असंच प्रेम ठेवा अशा प्रकारची विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.